साहब एक मिनट, साहब ये क्या चल रहा है? मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि आपने कोई पैसे लिए हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं आपने। कौन हरामजादा कहता है? मैं स्टेट है, मैं आपको कह रहा हूं ना, लाइव चल रहा है। आप क्या कहेंगे कि जो इल्जाम है ना, इस तरह के इल्जाम दोनों तरफ लगाए जाते हैं? मेरी जान, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने इल्जाम मेरे साथ लगाया ना मेरे पे, वो मेरे पास आके बैठे, खानेवाल में बैठे, इस्लामाबाद में मुझे बुलाए। राणा सनौला साहब को मैं वाजे पैगाम देना चाह रहा हूँ, मेरी जान मैं नहीं, मेरे सात पुश्तों में आपको चीज निकाल के दे दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। वरना आप आए मेरे ओपन मनाजरे में, आए चैलेंज करें मुझे। अगर एक रुपया आप मेरे पे साबित कर सके, मैंने दो ढाई साल अगर कहीं फंड में या मेरे खानदान में किसी बंदे ने फंड यूज किए और महकमे का कोई बंदा एक रुपया निकाल के दे दे, आप मेरे बाप हुए, मैं आपका बेटा हूँ। नून से बिटिया का सफर क्यों तय हुआ? ये बेटा पाकिस्तान की बात है, इसमें जो है वो जिहाद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे होगा। नून में जिहाद मुमकिन नहीं था। नून में जिहाद वो उनकी अपना एक नजरिया है, मैं उनका एहतराम करता हूँ सारों का, वो उनकी अपनी लीडरशिप है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका इस्तीफा बदनीति पे मुबनी है। मेरी नीयत पे वो कैसे मेरी नीयत को पहचान सकते? मेरी नीयत साफ है, मैं इंशाल्लाह जब मुझे वो हुक्म करेंगे मैं के पास जाऊंगा। इलेक्शन तरीके साफ के टिकट पे लड़ेंगे? मैं शायद इलेक्शन जरूरी नहीं है, पाकिस्तान जरूरी है। सियासत ही नहीं, क्या दिल बर्दाश्त है? मेरी जान सियासत ही सियासत है, दिल बर्दाश्त तो नहीं है? आपको नजर नहीं आ रहा सियासत? यानी कि इलेक्शन लड़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, आए मेरे खिलाफ लड़े इलेक्शन। बहुत शुक्रिया।